प्यारे दोस्तों, जब भी आप किसी गली में जाते हो या कहीं रोड पे होते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो गलती बच्चों की भी है, गलती जो ड्राइवर है उसकी भी है, ज़्यादा गलती ड्राइवर की है। यदि आप हल्का सा अवेयर हो जाओ कि बच्चे गलती कर सकते हैं, वो अचानक रोड के ऊपर आ जाएंगे, तो अगर आप को ब्रेक नहीं लगाना आती या एकदम आप रुक नहीं सकते तो बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा आपकी कार से, तो बहुत बड़ी ज़िंदगी है जो देश के काम आनी है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे बेटे देखो, ऐसे आओ, मैं ये गाड़ी खड़ाई हुई है, आप थोड़ा इधर चले जाइए। देखो आप इस कार के एकदम यहाँ खेल रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पता ये कार आ रही है, एकदम भागो यहाँ से। देखो ये देखो, भागो भागो भागो, ठीक। और एक इस तरफ आ जाइए, इस तरफ भाग के आओ। तो अगर ये कार रुक जाती है तो कुछ भी नहीं होता। बच्चे आए एकदम अचानक से यहाँ से भागा और इसको ठुक जाएंगे। और आपकी गाड़ी कभी भी एकदम आप स्टॉप लगाते हो ना, तो ये मान के चलिए कि वो आपका 2 या 3 फुट आगे रुकेगी। तो उससे क्या है, बहुत ज़िंदगी खतरे में हो जाती है। इसलिए आपको आज हम सिखाएंगे कि कैसे आप ब्रेक लगानी है। जैसे ही आए पहले तो स्पीड कम रखिए, कहीं स्कूल है, कहीं पार्क है, कहीं ग्राउंड है, तो इस एरिया में अपनी स्पीड जो कार की कम रखिए। और धीरे से जैसे ही आपको पता लग जाता है कि वहाँ बच्चा आने वाला है या बच्चा यहाँ से भाग जाएगा, अपनी ध्यान इधर भी और जैसे ही आता अपनी ब्रेक लगा लो। जैसे मैं अभी चला के आता हूँ, ये बच्चे यहीं खड़े रहेंगे और मैं इसके आगे ब्रेक लगा दूँगा। ओके, गाड़ी चला के आता हूँ, ठीक है, आप यहीं खड़े रहना। ओके, ये चलेगी गाड़ी। आप इधर आ जाए, पीछे पीछे हो जाए, इधर हो जाना। गाड़ी में कोई गाड़ी चला दिया। अभी कभी क्या होता है कि आप गाड़ी पीछे घुमाते हो तो बच्चे क्या कहते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं। देखो ये बच्चे हैं पीछे, ठीक है, ये बड़ी गुल्ली, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, तुम भी नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब मैं मान लो कि गाड़ी पीछे खींचता हूँ, मुझे नहीं पता कि बच्चे पीछे हैं, तो ये बच्चे इन कार इस बच्चों को ठुक जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपने कार को पीछे घुमाना है तो देखो कि कोई खेल रहा है बच्चा। ओके, स्टैंड अप, ठीक है, तो देखिए कि कोई पीछे बच्चा आया है, उनको कहो भैया साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, ठीक है, कोई चीज़ है, कोई चीज़ है वो भी निकाल दो, ठीक है। किसी भी कीमत पे आपके पास अगर कार है तो ये मत सोचिए कि आपके पास सब कुछ है, बच्चों की जान आपके कार की वैल्यू से ज़्यादा है। इसलिए पहली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको बचाना है आपने, ठीक है। हो सकता है कि बच्चों को आपकी आवाज़ ही ना सुनाई दी हो, कार को रोकिए, स्टॉप कीजिए, पहले पीछे एक बार चेक करके देखिए, अगर कोई बच्चा कहीं खेल रहा है तो उन बच्चों को साइड में कर लीजिए, इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए। रोड आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि रिवर्स गियर में जब चलाता है आदमी तो उसको जो नीचे बैठ के खेल रहे हैं बच्चे नहीं दिखाई देते और रोड एक्सीडेंट हो जाता है। और इन बच्चों की भी जिम्मेवारी है, बच्चों प्रॉमिस करो कि कहीं भी कोई कार आ रही हो तो आप साइड में हो जाओगे। यस के नो, कभी भी रोड के ऊपर कोई कार दिखती है तो आप साइड में हो जाओ, बीच में मत आओ।
कैसे हुआ था आपका एक्सीडेंट? मेरा साइकिल चला रहा था ऐसे, मोटरसाइकिल इसको ठोक दिया। देखो इसका भी रोड एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारे बच्चों इसका भी रोड एक्सीडेंट हुआ है। आपका हुआ? इसकी दादी का भी हुआ है। तो रोड एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं, कोई शराबी व्यक्ति भी कार चला सकता है, तो बच्चों की भी जिम्मेवारी है, ठीक है, और कार सीखने वालों की भी है। ओके, तो आज से अपनी रक्षा हम खुद आप करेंगे। यस का नो, यस, थैंक यू।